अलवर पुलिस ने बहुचर्चित मूक बधिर मामले में प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस ने इस मामले में प्रेस नोट जारी करके मामले का क्रम से खुलासा किया है। 11 जनवरी को अलवर में तिजारा पुलिया पर यह घटना हुई थी। खून से लथपथ घायल अवस्था में मिली थी नाबालिग बच्ची और प्रथम दृष्टया पुलिस ने रेप का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। युवती को गंभीर हालत में जयपुर किया गया था रेफर और पुलिस ने जांच में पाया रेप नहीं एक एक्सीडेंट का ये पूरा मामला है। परिजन समेत सर्व समाज समिति ने पुलिस रिपोर्ट को गलत बताया था और न्याय की मांग की थी और शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया था। पुलिस इस मामले में कोई खुलासा ना किए जाने से आक्रोश बढ़ता गया और 104 दिन तक चले धरने को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आने के बाद स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया और बार बार बीजेपी द्वारा इस मुद्दे पर सरकार को घेरा गया है। तो इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाबालिग बच्ची प्रथम दृष्टया पुलिस ने रेप का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। युवती को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया था और पुलिस ने जांच में पाया रेप का नहीं एक्सीडेंट का पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुगल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, क्या जानकारी इस खबर पर आपके पास? मनी, मैं बताना चाहूंगा, यह जो मामला है 11 जनवरी का है, जब यह घटना हुई थी अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तिजारा फाटक पुलिया पर यह बच्ची लहूलुहान हालत में मिली थी। इस पूरे मामले के बाद में यह पूरा मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा था। इस मामले में शुरुआती दौर में जो पुलिस ने इसे दुष्कर्म का मामला माना था और उसी स्तर पर इसकी जांच शुरू की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद जब जांच आगे बढ़ती गई तो पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंटल बताया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने तहकीकात में यह पाया कि लगभग जो सीसीटीवी फुटेज और वो सारे आधार साक्ष्य पाए गए थे उसमें उन्होंने कहीं भी इसे दुष्कर्म नहीं पाया गया। इस मामले में पुलिस ने लगभग 117 दिन बाद यह एक थ्योरी जो पुलिस की सामने आई है उसमें यह दुष्कर्म ना होकर यह घटना बताया जा रहा है। इसे लेकर अब सर्व समाज की जो न्याय संघर्ष समिति बनी हुई है उसने हालांकि इसे खारिज किया है और अभी भी वो पुलिस की इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि यह एक दुष्कर्म की घटना थी और इसे दबाव में अब ये एक्सीडेंटल बताया जा रहा है। शुक्रिया आपको जुगल तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो अलवर पुलिस ने जारी किया है प्रेस नोट और अब इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल जो है वो करार दिया जा रहा है। 11 जनवरी को अलवर में तिजारा पुलिया पर घटना सामने आई थी और उसके बाद से लगातार जो है पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल मामला है। बढ़ते आगे, दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक, उदयपुर में चिंतन शिविर की